इस प्रहेलिका में अभी दो श्लोक बचे हुए हैं, हम लोग अभी इसको पढ़ते हैं। लिखा है किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचते, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचते, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। भोजनान्ते च किं पेयं, जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विषणो पदं प्रोक्तं, सक्रं सक्रस्य दुर्लभम्। ये दो श्लोक प्रहेलिका पढ़ रहे हैं। पहला पहली है कि किं नु हित्वा, हित्वा माने छोड़, हित्वा का मतलब छोड़कर, किं नु हित्वा मतलब हम क्या छोड़कर प्रियो भवत माने सबके प्रिय हो गए करें, कौन सी ऐसी चीज है जिसको छोड़कर हम प्रिय हो जाते हैं। अकिम नु हित्वा और हम क्या छोड़ करके, ना सोचत माने सोचते नहीं, मतलब क्या छोड़कर हम विचार विमर्श नहीं करते। और आगे लिखा किम नु हित्वा अर्थमान भवत, और हम क्या छोड़ करके अर्थवान हो जाते, अर्थवान माने धनवान हो जाते हैं। और किम नु हित्वा सुखी भवे, और क्या छोड़कर हम सुखी हो जाते हैं। तो अब देखिए पहले का नीचे आपको बताया, उत्तर दिया जा रहा है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, कि हम क्या छोड़कर, मानम हित्वा हम मान छोड़ के, मान मान सम्मान छोड़ करके, और प्रियो भवत माने सबके क्या हो जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं। हम सम्मान छोड़कर सबके प्रिय हो जाते हैं। और क्रोधम हित्वा ना सोचते, और जब हम क्रोध छोड़ देते हैं तो ना सोचते, तो हम उस पर उसके बारे में फिर सोचते नहीं, क्योंकि वो बुरी चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और एक चीज लिखा काम हित्वा अर्थमान भवति, और काम छोड़ करके आदमी क्या हो जाता है, अर्थवान हो जाता है, अर्थवान माने धनवान। अलोभम हित्वा सुखी भवे, और लोभ को छोड़ करके मनुष्य क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। अब यहाँ है भोजनान्ते च किं पेयम्, कि हमें भोजन के अंत में, भोजनान्ते माने भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। और जयंत कस्य वै सुतः, और कह रहे हैं जयंत किसके पुत्र थे, देखिए जयंत किसके पुत्र थे। और तीसरी पहेली है कि कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, हम विष्णु पद मतलब विष्णु माने भगवान ब्रह्मा, ब्रह्म पद को क्या कहते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिखा भोजनान्ते च किं पेयम्, कि भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। देखिए सबसे पहले अंतिम नारियल का तक्रम, तक्रम माने होता है मट्ठा,